वहाँ जितने भी दिग्गज कलाकार आ रहे हैं उन सब दिग्गजों से बढ़ के हमारे लक्ष्मी प्यारे जी हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे गुरु हैं, और अच्छे अच्छे गाने होंगे, बहुत अच्छा माहौल होगा, एक फेस्टिवल जैसा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे गाने गाने का मौका बहुत कम मिलता है, अच्छी ऑडियंस, अच्छी जगह, अच्छे लोग, अच्छे ऑर्गेनाइजर्स बहुत नसीब से मिलते हैं। वो जो हमारे हेमंत कुमार महाले जी ने मेहनत की है, उन्होंने जो सोचा है, ये उनकी एक बहुत अच्छी सोच है, कि इससे ये पता चलता है कि वो म्यूज़िक बहुत समझते हैं, बहुत जानते हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूँ कि मैं भी इस प्रोग्राम का एक हिस्सा हूँ। मैंने 327 गाने लक्ष्मी जी प्यारे जी के लिए गाया, समझ लीजिए एक अच्छा खासा मैंने कोर्स कंप्लीट किया। एक इंस्टीट्यूट हैं वो लोग, उनसे बहुत कुछ सीखने गया। मुझे तो लक्ष्मी जी ने भी बहुत कुछ बताया, और इवन प्यारे जी रिकॉर्डिंग में हमेशा सामने आके बोलते थे इस जगह को ऐसे गाना चाहिए। तो बचपन से इनको देखा है, सोचा है उनके बारे में, और हमेशा यही इच्छा थी कि कभी मौका मिले उनके साथ काम करने का। उनके साथ जी भर के काम किया, और आज भी जो इतने दिनों के बाद प्यारे जी के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम मेरे साथ और भी जो कलाकार हैं, शब्बीर कुमार जी, हमारे सुजेश भोसले जी, और जौलीदा, और जावेद, और भी जो दो लड़कियाँ, वो भी इसी तरह महसूस कर रही होंगी जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो जो पॉपुलर गाने हैं वो तो बहुत सारे हैं, जैसे 1, 2 का 4, माई नेम इज़ लखन, गोरी का साजन, लेकिन जो मेरा जो बेस्ट सॉन्ग है, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लक्ष्मी जी प्यारे जी के गाने जो गाए, उनमें दो गाने मुझे बहुत पसंद हैं। जो एक तो ये कि नगीना फिल्म का गाना है आजकल याद कुछ और रहता नहीं, जो हर म्यूजिशियंस को, जो म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते हैं वो लोग भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उसका जो ऑर्केस्ट्रा है, उसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल हटके है। और एक मोटिवेशनल सॉन्ग है जो एक सीख है हम सब के लिए, आनंद बख्शी साहब ने लिखा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मैंने कहीं पढ़ा था कि कोई आदमी के पैर से खून बह रहा था, कि उसके पैर में कांटा चुभ गया था, रो रहा था कि मेरे पास जूता होता तो शायद ये कांटा नहीं चुभता। तो एक आदमी ने उसको समझाया, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे पास पैर तो है, जूता ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मुझे कहा गया कि तुम सुभाष जी की फिल्म के लिए गा रहे हो, और वो गाना था कर्मा का, हर कर्म अपना करेंगे, मुझे बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा नाम, इतनी सारी हिट फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में, तो हर सिंगर की ख्वाहिश होती थी कि सुभाष जी के लिए गाना गाऊं। तो और सुभाष जी की एक बात बहुत ज़बरदस्त है, एक तो उनको म्यूज़िक की बहुत समझ है, और उनके दिमाग में कुछ चलता रहता है कि इसके ये गाना है, ये सिचुएशन का ये गाना है, तो इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए, उनके दिमाग में खाका होता था, और वो डिस्कस करते थे लक्ष्मी जी प्यारे जी से, उसी हिसाब से म्यूज़िक बनता था, उसमें ऐड करते थे, क्योंकि हमारे लक्ष्मी जी प्यारे जी का तो जवाब नहीं, इशारा समझते म्यूज़िक की, म्यूज़िक की ज़बान जितनी उनको मालूम है शायद किसी को मालूम। उनकी रिकॉर्डिंग आप समझ लीजिए, मैं भी स्टूडियो पे, ऐसा लगता है कि एक फेस्टिवल हो रहा बहुत बड़ा। तो क्या आपको मैं सबसे पहले एक बात बताऊँ, हम हेमंत जी का वाइब्रेशन इतना अच्छा है, उनकी ज़बान इतनी अच्छी है, तो उन्होंने हेलो बोला, उसके बाद बोला दादा मैं हेमंत कुमार महाले, एक प्रोग्राम हो रहा है करेला जी कर रहे हैं, उस पर मैं एज ए गेस्ट शामिल करना चाहता हूँ। मुझे वहाँ से इतना अच्छा वाइब मिला कि मैंने एक सेकंड कुछ नहीं बोला, मैंने उनको बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ, और मैं बखुशी तैयार हो गया। और जो वहाँ जितने लोग आ रहे हैं, हम सभी भले ही कोई कुछ समझे, आप जैसा कह रहे हैं कि दिग्गज, हम सब स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि हर दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। म्यूज़िक जो है ये एक तो फ़कीराना चीज़ है, इसमें आप जितना ज़मीन पर रहें उतना अच्छा है,
और मैं उस दिन जो प्रोग्राम करूँगा उस दिन भी मुझे ऐसा लगेगा मैं प्यारी जी से कुछ सीखने आया हूँ। हमारे सामने जो ऑडियंस रहेगी वो ऑडियंस जो है उनके साथ हमारा एक रिश्ता है बरसों पुराना। 50 म्यूजिशियन के साथ प्रोग्राम करवाना बहुत बड़ा कलेजे का काम है और बहुत बड़ा दिल वाला जो होगा वही इस चीज़ को समझेगा और उसके पीछे खर्च करेगा। नहीं तो आजकल क्या हो गया, 6 म्यूजिशियंस लेके 3 म्यूजिशियन लेके काम करते हैं वो प्रोग्रामिंग करके। लेकिन ये जो सोच है इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स अगर 2-4 सही में आए तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम की इज्जत बढ़ेगी। मैं अभी से बहुत इंतज़ार कर रहा, मुझे इंतज़ार सिर्फ 1 अगस्त का है। भले ही मैं 2 या 3 गाने गाऊँ लेकिन वो 2-3 गाने बिल्कुल दिल से गाऊँगा। और जो मेरे दूसरे दोस्त लोग हैं जो सारे सिंगर्स हैं सब मेरे कलीग हैं तो वो लोग भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्राम अच्छा करना है। और सच बात है हम तो लाइव रिकॉर्डिंग करने वाले सिंगर्स हैं, हमने बरसों लाइव रिकॉर्डिंग किया है तो हमें भी ऐसा लाइव बैंड बहुत अच्छा लगता है। तो 50 म्यूजिशियन होंगे, कभी हम उनको देखेंगे कभी वो हमको देखेंगे, आई कॉन्टैक्ट होगा, हम गाएंगे, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। 1 अगस्त शानमुखानंद हॉल, हेमंत कुमार महाले जी ने ऑर्गेनाइज किया ये प्रोग्राम, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाइट और बहुत सारे कामयाब सिंगर्स हैं यहाँ और छोटा सा कलाकार मैं भी हूँ। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोग निराश नहीं होंगे बल्कि खुश होंगे, प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा। खुदा हाफिज़।